किशनगढ़ के जंगल में रामू कबूतर नाम का एक कुमार रहता था। वो तरह तरह के मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। दीपावली का त्योहार करीब ही था और रामू बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा था। हे लक्ष्मी मैया, आज धनतेरस है और मेरे पति बीमार है। घर में खाने को दाना भी नहीं है। मैं आज दिए लेकर बाजार में बेचने जा रही हूँ। लक्ष्मी माता, ऐसी कृपा करना जिससे मेरे सारे दिए बिक जाए। दिए ले लो, दिए मिट्टी के दिए। बहन जी, ओ बहन जी, मिट्टी के दिए ले लो। कैसे दे रही हूँ मिट्टी के दिए? बहन जी, 1 रुपए का 1 है। अरे बाप रे बाप, इतने महंगे दिए मुझे नहीं चाहिए। तू मिट्टी के दिए बेच रही है या सोने के दिए बेच रही है? मैं तो अपने घर पे रंग बिरंगे पेंट से सजाऊंगी दिए। उस दिन टुनटुनी के 1 भी दिए नहीं बिकते हैं। वो खाली हाथ घर पर वापस आ जाती है। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया दिए बेचने सुबह ही निकल जाती है और वो एक दुकान के सामने बैठ जाती है। दिए ले लो, दिए मिट्टी के दिए, सस्ते दिए ले लो, दिए ले लो दिए। अच्छा, तो तू यहाँ से नहीं हटेगी? ये ले, तेरे सारे दियो को तोड़ देता हूँ अब मैं। अब देखता हूँ तू यहाँ पर कैसे अपने दिए बेचती है। चली जा यहाँ से, वरना तेरे सारे बचे कुचे दिए भी तोड़ दूंगा टुनटुनी। कालू भैया, आपने ये क्या किया? मेरे सारे दिए तोड़ दिए। एक तो मेरे दिए नहीं बिक रहे हैं कल से, ऊपर से आपने मेरे सारे दिए तोड़ दिए। अब मैं अपने घर में दिवाली कैसे मनाऊंगी? मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। जा जाके अपना रोना धोना कहीं और कर। चल चली जा यहाँ से और मेरी दुकान के सामने से निकल जा। अगले दिन दिवाली थी और टुनटुनी का बेटा सुबह से पटाखों के लिए रो रहा था। मामा, आज दिवाली है, आज तो मुझे पटाखे चाहिए ही चाहिए। मेरे सारे दोस्त कई दिनों से पटाखे फोड़ रहे हैं, बस एक मैं ही हूँ जो पटाखे नहीं फोड़ता। बेटा तू रो मत, आज अगर दिए बिक गए तो मैं तेरे लिए जरूर से पटाखे और मिठाइयाँ लेकर आऊंगी। तू रो मत बेटा। टुनटुनी ने अपनी दुकान आज बाजार में ना लगाकर रोड पर लगाई थी। दोपहर हो चुकी थी लेकिन टुनटुनी के 1 भी दिए नहीं बिके थे। क्या हुआ बेटा, तू इस तरह उदास दिए लेकर कैसे बैठी है? आज तो दिवाली है, आज के दिन उदास नहीं होते हैं बेटा। बाबा मैं क्या बताऊं, मेरे मिट्टी के दियो को कोई भी नहीं खरीद रहा है। मैं कैसे अपने बच्चों के साथ दिवाली का त्योहार मनाऊंगी? मेरे घर तो खाने के लिए 1 दाना भी नहीं है। अरे बिटिया, तू चिंता मत कर, लक्ष्मी माता सब ठीक करेंगी। मैं घर से मिट्टी के दिए ही खरीदने निकला था। ऐसा करो, तुम अपने सारे मिट्टी के दिए मुझे दे दो। उस बूढ़े पक्षी की बात सुनकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। टुनटुनी के सारे दिए वो बूढ़ा पक्षी खरीद लेता है और उसे 500 रुपए का 1 नोट दिया। फिर वो बूढ़ा पक्षी वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी उन पैसों से अपने बच्चों के लिए बहुत सारे पटाखे और मिठाई लेकर अपने घर आ जाती है, जिसे देखकर उसके बच्चे खुश हो जाते हैं। मामा मुझे फुलझड़ी दो ना, मैं भी अपने दोस्तों के साथ फुलझड़ी जलाऊंगा। टुनटुनी का पूरा परिवार बहुत खुश था।